पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुफिया एजेंसी रॉ को सीधे तौर पर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि उनका देश शत्रुओं के नापाक मंसूबों के बारे में जानता है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएगा। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में पाक चीन आर्थिक गलियारा परियोजना की प्रगति पर चर्चा के लिए सम्मेलन रखा गया था, जहां राहिल ने देश को आश्वासन दिया कि उसकी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। जनरल राहिल ने कहा कि सीपीईसी को पूरा किया जाएगा और इससे गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उग्रवाद की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है, हम दुनिया के कहने की परवाह नहीं करते, लेकिन हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और जिस तरह सेना आतंकवाद के खात्मे के लिए काम कर रही है उसी तरह और कोई सेना नहीं कर सकती। अभी तक पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुलकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और भारत को दुश्मन बता रहे हैं। पाकिस्तान से आ रहे ऐसे बयानों से साफ है कि वह चाहता ही नहीं कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार हो। देखते रहिए टीवी लाइव।